हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्लांट के बारे में। देखिए, हमने दो फलों सहित इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दिया, तो हमने पूरी तरह से ब्रांच की जो रोलिंग हुई वो तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो इस पॉट में देखिए कितनी सारी हो गई हैं। इस पॉट में जड़ें जो हैं जड़ें फैल चुकी है, पूरा ये पॉट हमारा रूट बाउंड हो चुका है। तो ऊपर से तो ये ग्रोथ करेगा, लेकिन ऊपर से ये तभी ग्रोथ करेगा जब नीचे से इसको जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलेगी। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जड़ें खूब सारी हो चुकी हैं, तो इन जड़ों को हम प्रून करेंगे आज। अब जड़ों की प्रूनिंग के लिए हम तो इसको हम पूरा निकालेंगे। दो दिन तक हमने इसमें पानी नहीं दिया है, तो उसकी वजह से इसने यहाँ से ये मिट्टी को थोड़ा छोड़ दिया है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ताकि निकालने में आसानी हो। जड़ों को थोड़ा सा इस तरह से साइडों में हमने एक कन्नी ले ली है। मिस्त्री साहब हमारे छोड़ गए थे, आपके पास अगर खुरपी हो तो आप खुरपी ले सकते हैं, या चाकू वगैरह कुछ भी आप लोग के लिए चीज़ ले सकते हैं। और अब इसको ढीला करके हम सीधे से पकड़ के, बड़ी मेहनत मशक्कत लग रही है इसको, ओह बहुत भारी है, ऐसे तो नीचे गिरा क्या हम? इतनी सारी जड़ें हो गई इसमें, अंदर जड़ों के लिए अब जगह बची नहीं थी। अब इसको हम नीचे से पहले प्रूनिंग कर लेते हैं थोड़ी। तो पहले हमने कचरा अचरा डाला हुआ है, बताओ इसको। अब इसको हम जड़ों को ढीली कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखो नीचे हमने रेत डाली हुई थी, मिट्टी अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, हमने 3 दिन पानी नहीं दिया इसको, तो ये मिट्टी अभी पूरी तरह नहीं सूखी है। ये इतना बड़ा पौधा हो चुका है, तो इसकी हम जड़ें अच्छी तरह से छुड़ा लेंगे, ये मरेगा नहीं अभी। अभी ये आज लगभग 20 तारीख है, 20 नवंबर के महीने में हम इसकी ब्रांचेस की प्रूनिंग कर सकते हैं, इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह से इसको कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, किसी भी तरह से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रूनिंग करके इसको आराम से रिपोर्ट कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से छांट लेंगे, इसको जड़ों की मिट्टी को ढीली कर। हम जड़ों की अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे, रूट बाउंड हो जाएगा, तो ये पत्तियां जो है ये बड़ी नहीं होगी, यहीं पे सिकुड़ के मुड़ने लगेंगी और हमारे पेड़ की ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन इस प्रूनिंग करते हैं, ब्रांचेस की प्रूनिंग करते हैं, तो हम इसी पॉट में काफ़ी सालों तक इस पौधे को चला सकते हैं। आप चाहें तो इसको बड़े पॉट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मेरा बड़े पॉट में कोई ट्रांसप्लांट करने का मन नहीं था, इसलिए मैं इसी में रूट प्रूनिंग करके इसको फिर से ट्रांसफर कर लूँगा। देखिए ब्रांचेस की वजह से इसकी जड़ें जो है पूरी मिट्टी जो है छोड़ने में कटी पूरी। ये ऊपर का एरिया है,
यहाँ पे हमारी जड़ें भर गई थी, हमने चौक डाली हुई थी इसको कैल्शियम देने के लिए। इसको हम हाथ से मिट्टी को छुड़ा लेंगे। ये वाली जड़े जो है ये हमारे पानी को ड्रेन होने से रोकती है और वापस ऊपर आ जाती है। अभी देखो हमने इसमें से इस रूट को थोड़ा फ्री कर लिया है और हम वापस से इसको इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें इस कट्टे में हमने तैयार की हुई थोड़ी मिट्टी डाले हैं। में हमने हमारे गार्डन की पत्तियाँ जो वेस्ट मटेरियल है, इसमें हमारे किचन वेस्ट का जो भी किचन वेस्ट है हमने इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी सड़ के अंदर खाद बन जाएगा, अच्छी कंपोस्टिंग का काम करेगा। किचन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल और हमारे गार्डन की सूखी पत्तियाँ वगैरह हम सब डाल देते हैं। और उसके बाद अब प्रोसेस आता है, हम इसमें हमारी पहले से तैयार की हुई मिट्टी जिसमें हमने कोको पीट मिलाई हुई है हम उसमें डालते हैं। कितना अंदर जाता है, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा और खाली करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर थोड़ा अंदर रखने की कोशिश करेंगे, इसको हम और अंदर रखने की कोशिश करेंगे। इसको हमने यहाँ तक अंदर रखना है ताकि ये जड़े जब ऊपर फैलेंगी तो हम इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें। मेरे हिसाब से थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। अब इसको हम रखने से पहले इसमें थोड़ा मिला देंगे, दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ताकि जड़ों को इसको तुरंत फीडिंग मिल जाएगी। अच्छी तरह से आउट साइड में अच्छी तरह से वापस डाल दिए और ऊपर भी हम थोड़ी सी और अपनी कंपोस्ट इसी है मिक्स कर देंगे और ये हमारा होना रूट पूर्ण के साथ में बिल्कुल डालकर जैसे तैयार हो चुका है। बताओ ब्रांच प्रूनिंग के साथ साथ में आज रूट प्रूनिंग भी कर दी है तो अब इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। दोस्तों इसी तरह से इसका काम कंप्लीट हो गया तो इसको हम रख देंगे सेमी शेड एरिया में। शेड एरिया में भी इसको रख सकते हैं क्योंकि इसको धूप बहुत पसंद है। आप जब भी कोई इस तरह का फल वाला प्लांट लगाएं तो मेक श्योर कि 6 से 8 घंटे तक की इसको धूप मिलनी चाहिए। तो अब जो हमारा मौसम आ गया है ये फिर से नई ब्रांचेस और नई फ्रूटिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त गार्डनिंग करना चाहते हैं, जिनको भी ऑर्गेनिक फल और सब्जियां लगाने का लगाव है, उनसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो हम अगली बार बनाएं, जो भी अनुभव हम आपके साथ शेयर करें, वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।